हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ट्रिक सेशन में। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर आज फिर हाजिर हो चुका हूँ धमाकेदार ट्रिक के साथ। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर, कई बार रेलवे और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक संख्या के जितने भी ऑड फैक्टर हैं सबका जोड़ बता दो, एक संख्या के जितने भी इवन फैक्टर हैं सबका जोड़ बता दो। तो आज मैं ऐसी शानदार ट्रिक आपको देने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एन की वैल्यू दी है 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, आपको बताना है इवन फैक्टरों का जोड़ कितना आएगा। तो देखिए, 2 की पावर 1 है, इसको एज इट इज़ लिख दो। 3 की पावर 2 को आप लिखोगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। तो अगर जोड़ देंगे तो ये 1 + 3 + 9 हो जाएगा, कितना हो गया 13। ठीक है, सेम ऐसे ही 5 की पावर 2 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5 + 25, तो ये हो जाएगा 31। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 2 की पावर 1 की जगह 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 लिखते, ठीक है। तो भाई इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 13 × 31, और जैसे ही मल्टीप्लाई करा जाएगा आंसर 806 आएगा। तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर ऑफ 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 806 आएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर ये नंबर दिया हुआ है, 2 की पावर 2 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। सेम 3 की पावर 1 को आपको लिखना पड़ेगा 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 × 2 = 6, और ये हो जाएगा 3 × 1 = 4, ठीक है। 3 की पावर 1 = 3, 3 की पावर 0 = 1। तो 5 की पावर 2 को आप लिखोगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, इनको ऐड करेंगे 31 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर दो 6 × 4 × 31, और मल्टीप्लाई करते ही कितना मिल जाएगा, 744। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये हो जाएगा। 2 की पावर 2 को आप लिखोगे, जो इवन नंबर है याद रखना, ऑड नंबरों को आपको 0 से शुरुआत करनी है, 3 की पावर 0 5 की पावर 0 से। लेकिन जो इवन नंबर है, जैसे 2 की पावर 2 था, तो इसको आपको 2 की पावर 1 से शुरू करना है, 0 से नहीं। याद रखेंगे 2 की पावर 1 से शुरू करना है 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर 3 होता तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक लेके जाते, लेकिन यहीं तक दिया हुआ है 6 × 4 × 3 = 31। अगला ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर के केस में क्या करेंगे, बहुत ईजी है। ऑड सबसे ईजी है, क्यों है? ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो 2 वाला पार्ट हटा दो, बाकी सबको नॉर्मली सॉल्व कर दो। 2 वाला पार्ट हटा दो, 2 का जितना भी पार्ट है सब हटा दो, सिर्फ 3 से सॉल्व कर दो। 3 की पावर 3 को आप लिखोगे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 + 27, सॉल्व करेंगे 40 आएगा, ठीक है। सेम 5 की पावर 2 को आपको क्या लिखना है, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31। मल्टीप्लाई 40 × 31, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 1240। खत्म क्वेश्चन, तुरंत आएगा विद इन सेकेंड। अब आप बताओ कितनी बेहतरीन ट्रिक है, सम ऑफ इवन फैक्टर सम ऑफ ऑड फैक्टर जब भी निकालना है। ऑड फैक्टर के केस है 2 वाले को पार्ट को खत्म कर दो, सिर्फ 3 और 5 को सॉल्व करो, ठीक है। 7 और होता तो 7 को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए n = 2 की पावर 7 3 की पावर 2 5 की पावर 2, आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, जितने भी ऑड फैक्टर है सबका सम, 2 को एलिमिनेट करेंगे, 2 को तो लेके ही नहीं चलना, 2 तो खत्म हो चुका है। तो आएगा क्या, 3 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 = 13। 5 की पावर 2 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 31। और 31 का मल्टीप्लाई जब 13 में करेंगे तो 403 आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। या क्लियर हुआ क्या करना था? क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से आ चुकी होंगी, आई होप। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो इवन फैक्टर की बात करेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर 2 की जितनी पावर लिखी है वहीं तक आएगा। 2 की पावर 2 लिखी होती 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होती तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐड कर दिया जाता।
सेम यहाँ पे आपने देखा था 2 की पावर 2 थी, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और बाकी के जो नंबर है वो एज इट इज 3 की पावर 0 से, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे। बाकी फिर सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भाई देखो यूनिक चीजें लेके आता हूं मैं हमेशा। आपको पता है कि कोई भी चीज अगर मैं आपको बता रहा हूं तो ऐसी चीज बताऊंगा जो किसी ने ना बताई और कहीं आपको देख के लगे कि मजा आ गया, ठीक है। तो मैथ्स बाय प्रबलसन नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए, जिससे वाईफाई स्टडी पे जितने भी मेरे सेशन होते हैं सबकी लिंक आपको वहां मिल जाए और सारे सेशन आप अटेंड कर पाओ। चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पे एसएससी का, मेरा फाउंडेशन कोर्स आ चुका है जो कि प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बुक कोर्स है। इस फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो जो कि शाम को 5 बजे क्लास होती है, सातों दिन। याद रखना, कीप माय पॉइंट इन योर माइंड कि सातों दिन ये क्लास लेता हूँ मैं, शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आपको एक कोड यूज़ करना है जो कोड है प्रबल सर। जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करोगे तो तुरंत आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। इस बैच की हाईलाइट ये है कि CDS के जितने पेपर हैं 2017 से 2019 तक के वो सारे सॉल्व होंगे इसमें, 2013 से 2019 तक के CGL मेंस के जितने पेपर हैं और प्री के पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व कराऊंगा, प्लस कैट के 2019 के और 18 के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो हो सकता है SSC मेंस में देखने को मिल जाए वो भी कराऊंगा। बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।